Hello everyone, welcome to your own gardening channel. Today I am here to tell you how to grow, how to plant and how to care Notocactus scopa. Notocactus scopa is a flowering cactus in the family of Cactaceae and it is native to Brazil, and scientifically it is known as Prodea scopa, and in high classification it is known as Prodea magnificus. और सूटेबल एनवायरनमेंट इसको अगर प्रोवाइड हो तो ये 5 सेंटीमीटर्स टू 10 सेंटीमीटर्स तक ये टॉल हो सकते हैं. ये बॉल की शेप में भी ग्रो कर सकते हैं, ये सिलेंड्रिकल जो शेप है उसमें भी ये ग्रो कर सकते हैं. तो ये इसके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि ये कौन सी शेप जो है ये चूज़ कर लेता है. और इसको बहुत ईजी है ग्रो करना घर पर. मेरे पास ये प्रोडिया जो है उसका प्लांट है, तो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि हम इसको किस तरह रिपोर्ट करेंगे. ये मैंने प्लांट जो अभी कलेक्ट किया है तो इसको मैं आज रिपोर्ट करने जा रहा हूं और आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि ये किस किस्म की सॉइल मिक्स में ग्रो करेगा और किस किस्म की इसको सनलाइट जो है वो इसके लिए ज़रूरी होती है कि किस किस्म की ये सनलाइट में या किस किस्म के एनवायरनमेंट में ये ग्रो करते हैं. तो अभी मैं इसकी विज़िट करवाता हूँ आप लोगों को कि ये प्लांट जो है वो एक्चुअल है कैसा. इसके बड़े खूबसूरत इसकी ब्लूमिंग होती है. ये पेल येलो कलर के फ्लावर्स जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं स्प्रिंग टू समर. और जब ये मैच्योर हो जाते हैं, अभी ये बेबी प्लांट है. और ये जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये 5 to 10 सेंटीमीटर्स तक की सिर्फ जो है वो ग्रोथ होती है. तो ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि थोड़ा मैच्योर प्लांट है. तो अभी मैं इसको रिपोर्ट करने जा रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ. आप इसको कैक्टस मिक्स में ग्रो करेंगे. अगर आपके पास जो है वो कैक्टस मिक्स नहीं है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि हम अपनी जो कैक्टस सॉइल है वो किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और उसमें हम इसको रिपोर्ट करेंगे. तो लेट्स गो. जी व्यूअर्स, ये नोटोकैक्टस स्कोपा जो इसका प्लांट है, इसके स्पॉन्ज जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं. इनके ऑलमोस्ट जितने भी प्रोडियाज हैं उनके स्पॉन्ज हैं वो सॉफ्ट ही होते हैं. और ये ग्रेश कलर के इसके स्पॉन्ज होते हैं. तो जब ये अच्छे से मैच्योर हो रहे होते हैं तो इनके स्पॉन्ज जब अपने अच्छे ओरिजिनल कलर में आते हैं तो बड़े खूबसूरत लगते हैं. और स्पेशली जब इनकी फ्लावरिंग होती है तो वो भी देखने में बड़ी खूबसूरत होती है. ये पेल येलो कलर के जो फ्लावर्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था. और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसका रूट बॉल जो है वो डेवलप हो रहा है, इसकी रूट्स जो हैं वो भी डेवलप हो रही हैं. तो अभी आज इसको हम रिपोर्ट करने जा रहे हैं. इसके लिए जो सॉइल मिक्स है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. जी तो ये आपने विज़िट कर लिया कि किस किस्म का ये प्लांट है. बड़ा खूबसूरत प्लांट है. तो आप इसको अपने कैक्टस गार्डन में ज़रूर ऐड करें. अभी मैं आपको इसकी सॉइल मिक्स जो है वो दिखाता हूँ कि हम इसको, अगर आपके पास कैक्टस मिक्स है तो आप डायरेक्ट इसको कैक्टस मिक्स में ग्रो कर सकते हैं, प्लांट कर सकते हैं. और अगर आपके पास जो है वो कैक्टस मिक्स नहीं है तो मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम किस किस्म की सॉइल जो है वो क्रिएट करके तो इसमें हम इसको प्लांट करेंगे. आज मैं इसको इस पॉट के अंदर जो है वो ग्रो करने जा रहा हूँ. वेल ड्रेन पॉट है जैसे कि आप देख रहे हैं. मेरे पास यहाँ पे गार्डन स्क्रीन है. इसकी सॉइल को जो है वो इसको सॉइल को जो है वो होल्ड रखने के लिए मैं इसको गार्डन स्क्रीन जो है ये पॉट की बेस के अंदर जो है वो यूज़ करूँगा, प्लेस करूँगा इसको. और मेरे पास यहाँ पे जो सॉइल मिक्स के लिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें मेरे पास बेक टेराकोटा है. यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे वाश्ड सैंड्स हैं. मेरे पास यहाँ पे अगेन स्लाइटली थिकर जो है वाश्ड सैंड है. मेरे पास यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होती है सैंड, वो वाली सैंड है, बिल्कुल जो टाइनी सैंड होती है
आप इसको डेजर्ट सैंड भी कह सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास जो है स्लाइटली लूमी गार्डन सॉइल है, मेरे पास यहाँ पे मिक्स्ड जो वॉश सैंड्स हैं वो भी हैं, मेरे पास यहाँ पे डेड बॉक्स हैं, मेरे पास कोकोपीट है। कोकोपीट इसमें मैं थोड़ी यूज़ करूँगा, बिल्कुल स्मॉलर अमाउंट में इसमें यूज़ करूँगा, क्योंकि इसके लिए बहुत वेल ड्रेन जो सॉइल मिक्स होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसको थोड़ी सी भी ये वाटर में ये स्टे कर जाए तो इसके जो रूट्स हैं वो रोट हो जाते हैं। और यहाँ पे मेरे पास डीकम्पोज चारकोल है, तो इस सॉइल मिक्स को मिक्स करने के बाद हम इस पॉट को फिल करेंगे और अपने प्रोडिया जो है उसको हम प्लांट कर देंगे। जी व्यूअर्स, हमारा नोटोकैक्टस स्कोपा जो है वो रीप्लांट हो चुका हुआ है, रीपॉट हो चुका हुआ है। अब हम इसकी वाटरिंग कर देंगे और उसको सनलोकेशन पर प्लेस कर देंगे ताकि ये अपना फ्यूचर जो है वो डेवलप कर सके। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा। और अगर आप स्कोपा जो है इसको प्लांट करना चाह रहे हैं, अपने गार्डन का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं, स्पेशली कैक्टस गार्डन का, तो आपको कोई इंक्वायरी हो, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कह सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।